कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बेसिकली हमें अभी वर्क स्पेस चाहिए था अपने काम के लिए, तो वी ऑल आर बैचलर्स, तो हमें इतनी दिक्कत हुई है ना घर लेने में, लाइक जैसा हमें चाहिए था वैसा लेने में, इतने बहाने, कभी कुछ बहाने कभी कुछ बहाने। हाउस नंबर 420 देखी थी, वीडियो आई थी, उसमें एक सीन होता है जिसमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है घर के लिए, एग्जैक्टली वही हुआ। देखो, पहले घर गए नहीं मिला, दूसरे घर गए नहीं मिला, हिम्मत रखी, तीसरे घर गए वो भी नहीं मिला, फिर इतने घर घूमे ना कि एक घर नहीं मिला, और एंड में वही हाल। हाँ वही हुआ भाई, यही हुआ हमारे साथ, हमें ऐसे गेट बंद हो रहे थे हमारे मुंह पे, पर इन द एंड हमें मिल गया। और भाई सीरियसली बैचलर्स को सैल्यूट है जो इतनी मशक्कत करते हैं, उनको इतनी दिक्कत होती है, पता चला है बहाने इतने रेडी होते हैं ना लोगों के। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला बहाना, यहाँ पे फैमिली रहती है, आप शूट नहीं कर सकते, आप शोर नहीं कर सकते, रात को आ नहीं सकते, वो नहीं कर सकते, अरे यार मेरा भी घर है। बट ये बात है भी वर्क स्पेस के लिए चाहिए, सो मिल ही गया, एंड अब हमें उस पर थोड़ा सा रेनोवेशन करना है, तो रेनोवेशन का कुछ सामान लेके ले जाना है, वो लेने जा रहा हूँ। और हाँ, मेरे साथ भाई मेरे टीम का मेंबर लाइक पूरब एंड हर्ष तो है ही, हर्ष जा रहा है, बट वो रेडी होने में बहुत टाइम लगाता है यार, तो वेट कर रहा हूँ उसका, फिर जल्दी निकलते हैं और सामान लेते हैं, और आप अपडेटेड रहना, देखना चीजें, हमारा नया वर्क स्पेस देखना, एंजॉय करो। सो आज के मेरे ब्लॉग में कैमियो कर रहे हैं दी, हमारी दी ग्लास हमें चाहिए ऐसे में, इस टाइप का। सो स्टार्टिंग हुई हमारी शॉपिंग की क्रॉकरी स्टोर से, जहाँ से मैं ऑफिस के लिए मग्स एंड सब कुछ लेना, तो अभी भैया को मैं बता ही रहा हूँ, और दी हमारी हेल्प कर रही है, दी को अच्छा खासा आइडिया, तो हमसे तो हो नहीं पाता, वो कुछ चाहिए था। हाँ इस टाइप का कुछ, इस टाइप का यही पर्पस है दी को लाने का, बार्गेनिंग, यस सस्ता मिलेगा सामान। भाई अक्सर पता क्या होता है, तब शॉप में घुसते हैं तो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होता है, और ये चीज़ खरीदने वो चीज़ खरीदने, थोड़ी देर बाद ना इतनी बोरियत आती है ना, अब मैं इस दुकान में इतना बोर हो रहा हूँ, मुझे चाहिए नई दुकान, वहाँ जाके कुछ और खरीदे। सो हे गाइस, डन विद शॉपिंग, छोटी मोटी चीजें ले ली जो बेसिक चीजें होती हैं, उसके सिवा क्रोमा की स्टोर पे, अभी हम क्रोमा स्टोर के बाहर आए हूं मैं, हमने क्रोमा की स्टोर से भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक चीजें ले ली जो हमें चाहिए थी। अब कुछ फिटिंग्स की चीजें बची हैं जो वहां पे ऑफिस में चल ही रहा है, अभी जाके दिखाता हूँ, ऑफिस नहीं यू कैन से वर्क स्पेस, तो वर्क स्पेस है, और इलेक्ट्रॉनिक चीजें सारी ले ली जो जो चीजें थी, अब इसके बाद कुछ और चीजें लेनी है, फिर चलते हैं हमने वर्क स्पेस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित चिकारा, और मैं कर रहा हूँ इस डब्बे की अनबॉक्सिंग, और ये हमारा रूटर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है नेट के लिए, और हमारा छोटी मोटी चीज है, अभी चल रहा है सर्विसिंग का काम, बेसिकली इम्प्रोवाइजेशन है। ये भैया हमारे छोटू भैया, जल्दी करवा दो यार, थोड़ा ऐसे पानी वाली लीक हो रहा है, इसका सामान देख लो, और इसके सिवा जो वाईफाई लग रहा है, जल्दी यार, अरे आओ ना यार, पैसे तो देते, अरे आओ यार, क्या यार, चलो चलो चलो, अरे कि मॉडर्न लग चुका है, डे टू है वैसे, वाईफाई मॉडर्न लग चुका है, सो हमारा वाईफाई लग चुका है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। इसके सिवा हमारी कुछ चीज़ें जो कल हमने ऑर्डर करी थी बट वाई नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक लाइक फ्रिज एंड एक कूलर जो हमें चाहिए था, बिकॉज ए सी हम तीन तीन अफोर्ड नहीं कर सकते, इतने में नहीं है, बट हम दो अफोर्ड कर रहे हैं, इसके सिवा हमें कूलर भी चाहिए था, तो जल्दी से आ रहा है, उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, मेरे को बहुत मजा आता है टिक टिक वाले फोड़ने में, खुशी होगा घर, हमारा ट्रक इसमें हमारा सामान आ रहा है, खींचो 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 भाई, खुशियां घर पे आती, चेक कर लेना भाई, फ्रिज दूसरा तो नहीं आ गया, कलर वलर चेंज हो जाता है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ फ्रिज आ चुका है हमारा, जो बहुत ज़रूरी था,
कोई ब्रांडिंग ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ ना, इसके मेरे को पैसे मिले, ठीक है, फ्री का ये। और ये कुछ डिटेल्स फिल कर रहे हैं डिलीवरी बॉय की। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमारी आ चुकी है, बिकॉज पानी ठंडा चाहिए भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा, कल 45 डिग्री था। भाई फ्रिज ओपन हो गया, पहले तो देख सकते हो कितना सारा सामान आया नया नया, नए घर में नई चीजें सब कुछ। तो ये कैसी हालत हो रखी है आपकी? ये जिसके पैसे लगते हैं ना, मामला गीला है, जिसके पैसे लगते हैं उसकी ऐसी हालत होती है। वो निकल रहा है देख रहा है, अब पैसे लग के एक्साइटमेंट ही नहीं है वो कर रहा। 1.5 लाख हो गए, अब 2 लाख हो गए, बबल रहा है बबल रहा। अरे यार वही नहीं आया, वही ढूंढ रहा था। अरे भाई हाँ, वो भी तो फोड़ेंगे हाथों से, सस्ती कंपनी है, कंपनी कंपनी मत पकचोदी करो। ड्रोन कर रहा, पानी नहीं आ रही बोल रहा हूँ। चार बार खाली हो चुकी है टंकी, दिन में चार बार टंकी खाली हो चुकी है, और बंदे हैं हम चार, चार टंकी कैसे खाली कर सकते हैं हम। सो बहुत दुविधा है, हमें लग रहा है हमारे घर में कुछ भूत भूत है। क्या ये घर हॉन्टेड है? क्या ये घर हॉन्टेड है? क्या हमने ये घर लेके गलती करी? क्या इस घर में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ये पानी नहीं आ रहा, इसमें पानी नहीं आ रहा? क्या इस कमरे में लाइट भी इसलिए नहीं चल रही क्योंकि भूत है? आप बताइए पूरा। भाई बर्तन वो आपने धोए नहीं है, जल्दी से धो प्लीज। क्या नीचे क्यों रख दिया कैमरा भाई साहब? भाई साहब बर्तन धोने पे कैमरा नीचे है। मांझ ये देखो, मांझ। तो अभी चल रहा है सफाई अभियान, और इसके बाद बनने वाली है मैगी, जो बनाने वाला हूँ मैं। रात के बजे हैं 1, और हमें खाना खाना है। और खाने को देखो यार, सिंपली बताता हूँ, बैचलर्स के लिए मैगी काफी होता है, सबको पता है, ठीक है। पहले मैंने नाश्ता सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। पहले इंजीनियरिंग में मैंने ये करा, अब मैंने अपना नया मतलब ऑफिस या वर्क स्पेस लेके भी यही कर रहे हैं हम, मैगी ही बना रहे हैं और मैगी ही खा रहे हैं। हाँ खा रहे हैं मैगी। क्या से क्या हो गया, और इसके सिवा हम पियेंगे रूह अफ़ज़ा मत। बक बेटा सो, नहीं ये पहले ऑन क्यों किया? पहले ऑन क्यों किया? नहीं अब होगा दंगल। वाइपर कहाँ है? रुक जा, ये बहुत बड़ा वाइपर है। तो मामा को देखो, इतनी सी भी अकल नहीं है कि वो ठंडा पानी डाल लें फ्रिज का, बताओ। इतनी मेहनत से मैंने दिन में भरा था और वो ये पानी। अरे यार मान जाओ भाई, मान जाओ। भाई गेम नहीं खेलते इस पे नहीं चलती गेम। अब पता चल रहा है यार, मतलब अब पीत रही है ऊपर की यार, हमारी माए कितनी मेहनत करती है ना बेटा। इमोशनल खेल गया, मैं सबको बता, बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं इमोशनल नहीं करूंगा कि सीरियसली हमारी माँ हमारे लिए बहुत कुछ करती है, हमें उनको बहुत थैंक्स। अगले दिन फिर बैठे हो जाते हैं साले, कोई पोछा नहीं मारता, कोई बर्तन नहीं धोता। हाँ जिसको करना बिना दिखाए कर सकता है, बिल्कुल शो ऑफ की जरूरत नहीं, इन चीजों में नहीं। बेइज्जती हो गई ढक्कन निकला। तो हो रहा है। सो गाइस देखो, रूहअफ़ज़ा एकदम तैयार हो चुका है, इसको एक बार देखो कितना अच्छा रूहअफ़ज़ा है। नीचे रूहअफ़ज़ा और आप देखना,
वो एक कलर बड़े प्यारे वाले ये मेरा है, सुबह से मेहनत कर रहे हैं, बोल रहे जाओ टैंक पी लो, ऐसा थोड़ी होता है। बिग बॉस चाहते हैं कि आकाश आप उठ जाइए। रात के 2:40 पूरा सोया चाप खा के बैठा है और ये आपका रिपोर्टर मोहित। बिग बॉस चाहते हैं कि आप भी सो जाएं और फाइनली वो हमारे सोने का टाइम हो गया है। तो आप देखो कल तो नहीं, आज ये व्लॉग डलेगा आपके लिए। आज व्लॉग देखा करो पूरे। सो ब्लॉग ख़त्म कर दें आज का, बहुत सही था। 2 शॉपिंग करी नए घर के लिए तो अच्छा खासा बना लिया, ऐसे बहुत सही वर्क स्पेस बन चुका है। वर्कशॉप कल है इसलिए वर्कशॉप निकल गया मुझसे। सो कल हमारी न्यू वीडियो की वर्कशॉप है जो आने वाली है जल्दी, एक अल्टीमेट वीडियो। सोचो गैस करो, बहुत अतरंगी सी वीडियो है। इसके सिवा चलते हैं, बाय बाय करते हैं। और जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और जो पुराने हैं वो इस ब्लॉग को देख के लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, एंड कमेंट में बताएं कितने एक्साइटेड हैं नई वीडियो के लिए और हमारा वर्क स्पेस कैसा लगा ये भी। Love you.